हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। ये देखिए, हम जो है मोल्डिंग का जो मसाला बना रहे हैं, पहले तसले डाले हैं, फिर ये दूसरा तसला है, और इसके बाद सीमेंट एक तसले डाले हैं, दो तसले रेत और एक तसले सीमेंट डाल के फिर इसको मिक्स कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। पहले मैंने इनको छान दिया था। आप या तो पहले रेता को छान दें या नहीं तो सीमेंट मिक्स करने के बाद भी छान सकते हैं। थोड़े रेते में जो है कचरे ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने उनको पहले छान दिया। अगर मसाला मिलाने के बाद अगर इसको छानेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अभी कंडी से मिक्स करना पड़ रहा है। तो ये दो तसला रेत और एक तसले सीमेंट दे के हमने बनाए, दो एक के रेशे से बना हुआ है। तो इसको अच्छी तरह से मिला दिया। अब इसके अंदर पानी डाल देते हैं, जो सिंपल पानी होता है, कोई केमिकल नहीं है। कई लोग पूछते हैं कोई केमिकल डाल रहे हैं, कोई केमिकल नहीं डाले हैं, ये पानी डाले हैं। पानी डालने के बाद जो है इसको आप अच्छी तरह से जो है मिला दीजिएगा। मिलाने से सीमेंट भी मिक्स हो जाएगा बढ़िया से। तो आप भी इसी तरह मिलाइए कंडी से। ये मैंने मिला रहा हूँ इसको अच्छी तरह से, आप भी इसी तरह करनी से मिलाइए। करंडी से मिलाने से ये होगा कि जो उसे पानी डालते हैं तो तेज़ मसाला अगर होता है तो वो ढीले ढीले जैसे बन जाते हैं। तो आप इसको कंडी से मिलाएंगे तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो इसको कंडी से ही मिलाना है। ये मोल्डिंग का बना हुआ मसाला है, दो तसले रेत और एक तसले सीमेंट से हमने बनाए हैं। इस तरह से ये जो देखिए ये मिक्स हो गया है, आप भी इसी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ज़्यादा पानी डालने से ज़्यादा गीला हो जाएगा। इसको जो है आप उसमें ज़्यादा गीला नहीं करना है, गोल टाइप का ही मसाला रखना है इसको, नहीं सूखा ज़्यादा हो, नहीं ज़्यादा गीला हो, मीडियम में ही। और ये देखिए, हाथ में ग्लव्स लगा लीजिए, दस्ताना और सीमेंट और पानी का एक घोल बना लीजिए दीवार पर लगाने के लिए। वो लगाने के बाद आप अगर मोल्डिंग खींचते हैं, लाइनिंग बनाते हैं, तो अच्छा पकड़ होगा। तो इसलिए पहले घोल लगा दीजिए, गीला कर दीजिए छत को सीमेंट के नेहरू घोल से। उसके बाद आप पहले थोड़ा मसाला लगाना है, उसके बाद उनसे आगे आप प्रेस करेंगे। ये देखिए, आगे से आगे लगाते जाना है, आगे की साइड दबा के रखना है, पीछे जो है उठा के रखना है। पीछे उठा के रखने से ये होगा कि आप जो है अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। कई बार आप लोग पूछते हैं कि भाई हमारा फर्मा मसाला पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है, तो इसलिए इसमें देखिए पीछे साइड अगर आप दबा के रखेंगे, आगे साइड दबा के रखेंगे और पीछे जो है फर्मा अगर उठा हुआ होगा तो आपको खींचने में आसानी होगा। ये देखिए, पहले थोड़ा लगाइए, उसके आगे आगे आप लगाते चलिए, जल्दी काम होगा और टाइम भी नहीं लगेगा। ये देखिए, हमारा जो है मोल्डिंग थोड़ा कट पिट भी लग रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी छत में नहीं कर रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैं कुछ टाइम का वीडियो बनाया हूँ कि आपको समझ में आए। आगे मैं जो बनाऊँगा वीडियो छत में काम करूँगा तो वो आपको दिखाऊँगा सही से। ये देखिए, आप जब भी बनाएंगे तो पहले सूता पटक लेंगे, सूता से सीधा हो जाएगा, मैंने सूता लगाया नहीं है। तो ये देखिए, इस तरह से आप जो है इसको बनाइए बड़े आसानी से दोस्त, ये बन जाता है, कोई कठिन काम नहीं है। ये आप भी बना सकते हैं, सीखिए, देखिए वीडियो को, सीखिए और कोशिश कीजिए बनाने के लिए, बना लीजिएगा बड़े जल्दी। ये देखिए, ये दो एक दो तसला रेता और एक तसले सीमेंट डाल के हमने बनाया आपके सामने। ये देखिए कितने जल्दी जल्दी हो रहा है। आप लोग बोलते हैं पकड़ लेता है फर्मे को, लेकिन ये देखिए पीछे अगर उठा हुआ होगा तो ये नहीं पकड़ेगा। तो इस तरह ही करना है आपको, और मैं आपको सूंड का डिज़ाइन दिखाऊंगा भी। ये देखिए, जो हम गोल पिलर होता है, राउंड पिलर, उसमें सूंड वाले डिज़ाइन जो बनते हैं उसके लिए हम बनाए ये सूंड। देखिए, पहले मैंने पेपर डाल दिया हूँ ताकि उखाड़ने के लिए इसको उखाड़ना जो होगा वो आसानी से उखड़ जाएगा, तो इसलिए हमने नीचे पेपर लगा दिया हूँ। तो आप भी जब भी बनाएंगे तो नीचे पेपर डाल देंगे, फिर उसके बाद ये सूंड बनाएंगे। दो सूंड जोड़ के एक सूंड बनता है, एक सूंड तैयार होता है। तो ये देखिए, वो वाला वीडियो भी मैं दिखाऊँगा, बना के दिखाऊँगा, जो सूंड कैसे जोड़ के जो है पिलर में लगाया जाता है। कहीं अगर नेक्स्ट नया साइट अगर आए तो मैं दिखाऊँगा। ये देखिए कितने सूंड बने हुए हैं, सारा सूंड हमने कट कर चुका हूँ।
तो ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।